जो सामने पहाड़ दिख रहा है इसका सीना चीर के और माझी जी ने रास्ता बना दिया। तो माझी जी के बेटा है, उन्होंने पहाड़ क्यों तोड़ा था? पहाड़ जिसे हमारे पिताजी ऊपर कानून के आंख पे कौन सी है पट्टी है, कौन सी है माझी जो है देश के लिए समझे कि एक सिंबल है। बिहार सरकार का कमाल का भ्रष्टाचार अब मैं दिखाने जा रहा हूँ। माझी जी के द्वार पे जो पत्थर लगा है वो पत्थर कब आपके कपार पे गिर के फाड़ देगा कोई गारंटी नहीं। उद्घाटन हुआ है कि नहीं हुआ? हो गया है लेकिन कोई। उद्घाटन के समय में हक ने उसमें कौन गया था सबसे पहले? आप लोग लूट भी रहे हैं। अच्छा, कौन लोग लूट रहा है? नेता की जनता? नेता लोग, जनता तो अंधा है जो कह रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि मैंने कागज से? अरे एकदम टकाटक रोड है इस पे, एकदम नेताओं की बातों को जनता तक पहुंचाते हैं, यानी हम दलाली करते हैं। हमें जनता की बातों को नेताओं तक पहुंचाना है, मीडिया का काम। माझी जी के जो बेटा है वो पीछे से ऐसे देख रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं ये हमारे पापा के बारे में। कभी कोई नेता पुल के नीचे नहीं दब के मरता है, इंजीनियर भी नहीं दब के मरता है, ठेकेदार भी नहीं दब के मरता है। दुनिया के इतिहास में साहस और शक्ति का प्रतीक दशरथ माझी जी का जो द्वार है गहलोर में, वहाँ पे मैं हूँ। इनके ऊपर एक कमाल का फिल्म बना था जिसका नाम था माझी द माउंटेन मैन। इनके ऊपर फिल्म इसलिए बना था कि ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है इसका सीना चीर के और माझी जी ने रास्ता बना दिया था, देख सकते हैं। उसके बाद से इनके ऊपर खूब राजनीति हुई, आमिर खान भी यहाँ पे आए, साथ ही साथ नीतीश कुमार जी भी आए, सुशील मोदी जी को लेके आए थे, प्रेम कुमार जी भी आए और भी बहुत सारे लोग आए यहाँ पे। लेकिन उन लोगों ने माझी जी से नहीं सीखा। माझी जी कसम खाए थे कि हमको ये पहाड़ तोड़ देना है तो उन्होंने तोड़ दिया, लेकिन ये लोग उनसे कुछ नहीं सीखे और उनके नाम पे जो रास्ता बनाया गया था वो रास्ता भी आज जर्जर हो चुका है, देख सकते हैं। ये पार्क का स्थिति तो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया ही। माझी जी के बेटा है यहाँ पे और कुछ गांव के लोग हैं और कुछ जो है टूरिस्ट हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं। हम लोग सबसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है माझी जी के नाम पे सब लोग तो बधाई देता है, कुछ लोग जो है भारत रत्न का मांग करता है, हम भी करते हैं उसमें, लेकिन यहाँ पे आके जो है इन समस्याओं का समाधान के लिए कौन कौन प्रयास करता है। सबसे पहले आप तो माझी जी के बेटा हैं। हाँ। कितना साल उम्र हो गया आपका? हमको 60 हो गया। अच्छा, ये बताइए कि उन्होंने पहाड़ क्यों तोड़ा था? पहाड़ जिसे हमारे पिताजी ऊपर ऊपर जंगल था, हमारे पिताजी लकड़ी काटने के लिए गया तो हमारा माई खाना लेके जा रहा था, पहाड़ तैयार था, वो माटी के मटका था पहाड़ में टकरा कर फूट गया, तो दिन भर हमारे पिताजी भूखे रह गया। उसी वजह से उन लोग सब बोला कि हमारा पत्नी के एक घड़ा फूटा संसार के कितना फूटेगा, तो 3 बकरी बेच करके सेनी हथौड़ी ला करके उसमें काम लगा दिया। मतलब कि छेनी हथौड़ी से उन्होंने पहाड़ तोड़ दिया? हाँ, छेनी हथौड़ी। जेसीबी का इस्तेमाल नहीं किया? नहीं नहीं। पोकलेन का? नहीं। छेनी हथौड़ी से उन्होंने पहाड़ को तोड़ दिया, जरा सोचिए। और हम इतना सारा बिहारी जो है भ्रष्टाचार होते रहता है, देखते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं है। जिस दिन हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे उस दिन बिहार से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि इस गांव का सबसे बड़ा समस्या क्या है? रोड का समस्या है, आगे का रोड। अभी रोड का समस्या है ही। अरे कागज पे आपके गांव में तो इतना प्लेन रोड बनाया गया, एकदम चिकना। देखिए ये भी रोड। क्या बात करते हैं, हम आपका बात कैसे माने? हम देख सकते हैं। अरे हम नहीं देखेंगे, काहे नहीं देखेंगे? कानून के आंख पे कौन सी है? पट्टी है। कौन सी है? पट्टी है। हमको कुछ नहीं दिख रहा है। जाता है से एक बच्चा को यहाँ पे गिटार के खाते में टकाटक गया, उसका आंख में लग गया, उसका आंख फूट गया था कुछ दिन पहले यहीं पे। गाड़ी तेजी से जा रहा था, गिट्टी उट्टी है, वो उछल के गाड़ी से लग गया, गाड़ी वाला तो चला गया, लेकिन फूटेगा ना, कैसे नहीं फूटेगा आप बताइए? जब भ्रष्टाचार होता है तो हम लोगों का आंख देखते हुए भी उस भ्रष्टाचार को क्यों नहीं रोकता है? नहीं रोकता है इसका क्या? आप लोगों ने माझी जी से क्या सीखा बताइए? हम लोगों ने उनसे संघर्ष करना सीखा बस। हाँ, हम भी चाहते हैं कुछ अच्छा करें, कुछ अलग करें। समाज के लिए कुछ अच्छा करना सीखिए, समाज के लिए। उन्होंने समाज के लिए कुछ अच्छा किया था। ऐसी बात है, माझी जो है देश के लिए समझे कि एक सिंबल है,
संघर्ष के। और ये दशरथ मांझी द्वार है गहलोर में, और इस द्वार पे जो है एगो चाचा जो है बैठ के जो है वो चप्पल जूता सीते हैं, तो इनसे भी हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमको नाम है जगदीश। अच्छा, कितना दिन से ये काम करते हैं? साल भर। साल भर से? उसके पहले ये काम नहीं करते थे? नहीं। क्या करते थे? खेती बाड़ी। अच्छा, सरकार ने खेती बाड़ी यानी किसानों को इस लायक बना दिया है कि पहले किसानी करो और उसके बाद से स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि बाद में आके ये काम करोगे। ये वही पहाड़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे नेता लोग आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, फोटो खिंचवाने के बाद जो है चले जाते हैं। अच्छा, ये क्या है? ये ऐसा ही भवन बना है, इस पे लोग ऐसा ही रहते हैं। बस इसमें कुछ काम उम नहीं होता है? कोई काम नहीं होता है सरकार का। बिहार सरकार का कमाल का भ्रष्टाचार अब मैं दिखाने जा रहा हूँ। मांझी जी के द्वार पे जो पत्थर लगा है वो पत्थर कब आपके कपार पे गिर के फाड़ देगा कोई गारंटी नहीं है। देख सकते हैं वहाँ पे, देखिए अभी तक उसका कोई यूज नहीं करता है, न पानी रहता है, न टॉयलेट का उद्घाटन हुआ है कि नहीं हुआ? वो हो गया है लेकिन। अच्छा, कोई उद्घाटन के समय में हग ने उसमें कौन गया था सबसे पहले पता है? कोई नेता ही गया होगा। लेकिन उद्घाटन मतलब हुआ ना हुआ, उसमें कोई व्यवस्था है? न पानी रहता है हमेशा ऐसा ही रहता है, सिर्फ बने सूखा सूखी रहता है। लेकिन आप लोग इतना सारा समस्या बता रहे हैं, सरकार तो बोल रहा है हम मांझी जी के लिए, और मांझी जी के नाम पे लोग जो है वोट भी मांगते हैं। मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? समस्या तो यह है कि नहीं, विजय भी हो जाते हैं, वोट मांग के विजय भी हो जाते हैं लोग। मांझी जी के नाम पे लोग वोट मांगता है कि नहीं? मांगते हैं। अच्छा, मांझी जी के नाम पे लोग वोट देता है कि नहीं? देवे करता है सर जी। मांझी के नाम पर लूट भी रहे हैं लोग, मांझी जी के नाम पर लोग लूट भी रहे हैं। अच्छा, कौन लोग लूट रहा है? नेता की जनता? नेता लोग? जनता तो अंधर है, जो कह रहे हैं सुन रहे हैं। जनता क्या है? अंधर है। कुर्ता पैजामा झार रहे, हम जीते मांझी जी का ही है, हम मांझी जी का ही है, हम मांझी जी का ही है, जा रहे हैं। शौचालय खोले हैं, उसमें इतना करोड़ रुपया आया पता चला कुछ ने बना, सब पैसा धोखे में चला गया। बिहार सरकार दावा करती है, भवाई लूटते हैं कि हमने गया जिला में फल्गु में गंगा जल ला दिया, यहीं पर पास में प्लांट भी है, गंगा जल ला दिया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन गंगा जल प्लांट यहीं पर है, यहाँ पे इस पर दिन भर ट्रक चलता है, आप गंगा जल चक्कर में ये रोड का ये हल कर दिया, आदमी हर दिन एक्सीडेंट करता है, खाली धूल उड़ता है, डस्ट उड़ता है। तो सर आप अच्छा काम कर रहे हैं, मानते हैं, ठीक है, आपने प्लांट बैठा दिया, गंगा जल ला दिया, सर रोडों पर ध्यान दीजिए, रोडों पर बात हो रही है, इसमें देखिए ऐसा बोलिए बीपी हाई हो गया। नहीं, ये नहीं कह रहे हैं कि जितना भी कुर्ते वाले आते हैं तो मांझी जी के नाम पर हम ये हैं वो हैं, जितना भी रुपया रोड से भी आए, आप कह रहे हैं कि सरकार की खाते पर बहुत बढ़िया रोड है, एकदम बढ़िया रोड है, हम बोल नहीं रहे, सरकार भी बोल रहे, क्या बात कर रहे हैं आप? कि मैंने कागज से या अरे एकदम टकाटक रोड है, इस पे एकदम घाटी को पार, इससे बुरा हाल है, टकाटक रोड है, फिर सरकार के खाते में टकाटक है, ऐसे अभी भी परसों भी ट्रैक्टर ढला, तीन गो आदमी मर गया, कोई इधर जाता ट्रैक्टर, कोई गाड़ी उधर जाता ट्रैक्टर, तो कैसे माने कि चकाचक है? सरकार तो कह रहा है चकाचक है, तो अच्छा ये बताइए हम सरकार का बात मानेंगे कि आपका बात मानेंगे? तो सरकार के मानिएगा तो यहाँ बाकी पैसे लोग खा जा रहे हैं नेते लोग। लेकिन हमें सरकार की बातों को नहीं मानना है, हम मीडिया वाले हैं, हमने अपना काम उल्टा कर दिया है, हम नेताओं की बातों को जनता तक पहुंचाते हैं, यानी हम दलाली करते हैं, हमें जनता की बातों को नेताओं तक पहुंचाना है, मीडिया का काम यही है। जनता क्या सोच रहा है वो नेताओं के कानों में गूंजना चाहिए, नेता का सोच रहे हैं हम तुमको राशन देंगे, अरे ससुरा हमको राशन नहीं चाहिए, हमको रोड चाहिए, सही है कि नहीं है? तो जिसको जो चाहिए ग्राउंड पे आइए, ग्राउंड जीरो पे। और ये देखिए मांझी जी के जो बेटा है वो पीछे से ऐसे देख रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं ये हमारे पापा के बारे में। अब बताइए आपके पापा ने जो काम किया है ना वो कमाल का काम किया है, और ये काम जो है कोई बिहारी ही कर सकता था, सबको पता था, क्योंकि पहाड़ तोड़ना इतना आसान थोड़ी है, पहाड़ अगर तोड़ना आसान होता तो दुनिया में 10-20-50-100 लोग तोड़े होते, 5 लोग तोड़े होते, सही है कि नहीं है? 2 लोग तोड़े होते नहीं, एक ही आदमी तोड़ा है। और आई देखिए अब बताइए इस पे गुस्सा आएगा कि नहीं? कैमरा चल रहा है, अंदर मोबाइल घुसा रहा है, और कुछ बोल देंगे तो लोग बोलेगा मनीष कश्यप उड़न पत्रकार, सही है कि नहीं है? तो ये समस्या को झेलते हुए भी हमें ग्राउंड पे आना पड़ता है, और ग्राउंड पे आके रिपोर्टिंग करना पड़ता है, और ऐसे ऐसे लोगों की बातों को जो है दूर तक पहुंचाने का प्रयास करना पड़ता है। देखिए उधर से जो भी आएगा नेताजी, ध्यान से देखिएगा लोग, आप लोग जो है ऐसा पत्थर लगाया है ना कि कपार पे गिरेगा ना आप लोगों के तो फाड़ देगा। लेकिन सच्चाई ये है कि
कि कभी कोई नेता पुल के नीचे नहीं दब के मरता है, इंजीनियर भी नहीं दब के मरता है, ठेकेदार भी नहीं दब के मरता है, सही है कि नहीं है? हमेशा कौन मरता है? पब्लिक। तो